अखिल भारतीय एल्युमिनियम कप हॉकी टूर्नामेंट ईएमई जालंधर ने जीता। फाइनल में जालंधर ने रुड़की को 3-2 से हराया। पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद ने पुरस्कार वितरित किए। अखिल भारतीय एल्युमिनियम कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला देखने के लिए पूर्व ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद बालको पहुंचे। कोरबा एसपी श्री सुंदर राजपी और बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पुण्यकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। श्री अशोक ध्यानचंद ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने फाइनल में पहुंचे टीमों से मुलाकात की और उन्हें खेल भावना से उत्कृष्ट खेल दिखाने की प्रेरणा दी। कुंभकार जिला चिकित्सा अधिकारी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए जालंधर की टीम से पीले कलर की जर्सी में ईएमई जालंधर की टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए अध्यक्ष एवं इंटक के महामंत्री शर्मा जी। अखिल भारतीय एल्युमिनियम कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अत्यंत रोमांचक रहा। बालको नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में हुई खिताबी भिड़त में ईएमई जालंधर ने बीजी रुड़की पर 3-2 से जीत दर्ज की। 26वें मिनट में रुड़की के मुकुल ने पहला गोल किया। ठीक एक मिनट बाद वेद प्रकाश ने टीम को जालंधर पर 2-0 की बढ़त दिला दी। दो गोल से पिछड़ने के बाद जालंधर ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए एक से बढ़कर एक मूव दिखाए। 30वें मिनट में जालंधर के गुरमीत सिंह ने पहला गोल किया। 38वें मिनट में अवतार सिंह ने टीम को 2-2 की बराबरी पर ला दिया। 67वें मिनट में एक बार फिर अवतार सिंह ने टीम के लिए गोल दाग कर जालंधर को 3-2 की बढ़त दिला दी। और शानदार गोल 12 नंबर पूर्व ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद ने पुरस्कार वितरित किए। विजेता टीम को 75,000 रुपए नगद और ट्रॉफी प्रदान की गई। उपविजेता टीम को 50,000 रुपए नगद और ट्रॉफी मिली। इसका जो प्राइस मनी है वो 50,000 रुपए जालंधर के अवतार सिंह को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। कोर ऑफ सिग्नल जालंधर की टीम को फेयर प्ले पुरस्कार मिला। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को ट्रैक सूट प्रदान किए गए। अशोक ध्यानचंद ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि फाइनल में रुड़की और जालंधर की टीमों ने बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने अखिल भारतीय एल्युमिनियम कप हॉकी टूर्नामेंट आयोजन समिति की तारीफ करते हुए कहा कि खेल की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए इसे और आगे ले जाएं। हर बार की तरह इस बार फाइनल के अंदर जो जोश देखने को मिला, जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे, उसके अनुरूप बिना किसी लड़ाई झगड़े के बेहतरीन हॉकी का प्रदर्शन दोनों टीमों द्वारा, मैं दोनों ही टीमों को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। लास्ट 5 मिनट के पहले विजय गोल करके ईएमई ने ये एक बेहतरीन टूर्नामेंट जो बालको कमेटी के अंतर्गत और जिला हॉकी खेल संघ के अंतर्गत, जिसमें खासतौर से बालको का जो सहयोग रहा है उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। श्री सुंदर राजपी ने सफल स्पर्धा के लिए टूर्नामेंट आयोजन समिति को हार्दिक शुभकामनाएं दी। 6-7 सालों में ये एल्युमिनियम कप एक काफी अच्छा विशाल स्वरूप लेते आ रहे हैं। हर वर्ष जो टूर्नामेंट के स्तर काफी ऊंचा लेते रह रहे हैं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन
निरीक्षक एवं दल का मैनेजमेंट एवं जिला के सभी खेल प्रेमियों, हम सब लोग का जो काफी मेहनत एवं साउथ प्लेस के पीछे है, हम आशा करते हैं आने वाले सालों में एल्यूमिनियम कप का जो स्वरूप उतना बड़ा होना चाहिए ताकि हमारा हॉकी के नेशनल सेलेक्टर्स इधर उपस्थित होकर नेशनल हॉकी टीम के लिए जो इधर से खिलाड़ी को ढूंढने के लिए इधर उपस्थित होना चाहिए, इतना एक अच्छा विशाल स्वरूप लेना चाहिए, ये हम सब लोग का आशा और उम्मीद है। श्री गुंजन गुप्ता ने कहा कि हॉकी के प्रति बालको प्रबंधन कटिबद्ध है, इसके स्तर में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। संचालन समिति के प्रयासों से लगातार ये देखा जा रहा है कि इस प्रतियोगिता का स्तर हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पीछे जो उद्देश्य है, जो कि हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल है उसको प्रोत्साहित करना, हॉकी में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले सके, हॉकी अपनी ऐसी गरिमा नई उपस्थिति खेल जगत में स्थापित कर सके जिसकी कि वो हकदार है, जो ये प्रयास है उसको मैं सफलता की ओर बढ़ता जब देखता हूँ तो निश्चय ही हर्षोल्लास की अनुभूति होती है। आयोजन समिति के अध्यक्ष और इंटक के महासचिव श्री वी के शर्मा ने कहा कि बालको प्रबंधन के सहयोग के बिना आयोजन संभव ही नहीं था। राष्ट्रीय खेल हॉकी इस क्षेत्र में जितना आगे जा सके, हमारा एक एक बच्चा उस खेल से जुड़ सके, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बालकों का प्रदेश का नाम रोशन कर सके, यही एक प्रयास लेके हम लोग चले हैं और इसमें बालको प्रबंधन ने निश्चित रूप से जो सहयोग दिया है उसके बिना ये सब संभव नहीं था। कोरबा जिला हॉकी संघ के उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र जायसवाल ने आयोजन में भागीदारी करने वाली टीमों के प्रति आभार जताया। कोरबा जिला हॉकी संघ के उपाध्यक्ष श्री अनुज राणा ने आयोजन की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि टूर्नामेंट में देश भर की अग्रणी 22 टीमों ने भागीदारी की। उन्होंने कहा कि बालको प्रबंधन और इंटक एक साथ हॉकी को आगे बढ़ाने में सराहनीय योगदान दे रहे हैं।